बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, इफ यू फेल टू प्रिपेयर देन प्रिपेयर टू फेल. राइट, तो आपको प्रिपरेशन करनी है पूरी. तो आपको नहीं कर सकते जो आप करना चाहें. लगन लगनी चाहिए. और लगन कहाँ लग सकती, क्या 10 जगह एक साथ लगन लग सकती है? नहीं, लगन एक ही जगह लग सकती है, एक ही के साथ लग सकती है. 10 तरफ नहीं आप सोच सकते कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. एक ही तरफ आपको पूरा पूरा समर्पण करना पड़ता है. जब कृष्ण ने कहा उद्धव जी से कि जाओ जरा देख कर आओ गोपियां ब्रज में कैसी हैं मेरे बिना, तो उद्धव ने सोचा था कि मैं जाऊंगा और उन्हें ज्ञान दूंगा कि कृष्ण तुमसे दूर हो गए तो भी क्या हुआ, कृष्ण तो हर जगह है, गोपियों को ज्ञान दूंगा. उसने सोचा वो प्रेम में बावली हो गई होंगी, रो रही होंगी. पर उद्धव जब गया और उसने देखा कि गोपियों की क्या हालत है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा. गोपियां भावरे से बात करती हैं, अरे लगता है तुझे कृष्ण ने भेजा है, वो छलिया ऐसा ही है, तू उसी की तरह काला है. उससे बात करती है एक गोपी, अपने आप को कृष्ण समझ के गोवर्धन उठाए ऐसा सोचती है कि मैंने गोवर्धन उठा रखा. एक गोपी कुछ बेच रही है सामान, तो वो बेचते बेचते जैसे खिलौने बेच रही है, तो बोले खिलौने ले लो, फिर बोलने लगती कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो. इतना बावलापन उसने देखा, उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो अपने आप को ही कृष्ण समझ लेते, जहां देखती वही कृष्ण दिख रहा है इनको, ये हो क्या रहा है? उन्होंने कहा देखो तुम्हारा ये प्रेम सही है, लेकिन जरा ज्ञान भी तो ले लो. ज्ञान ले लोगी तो तुम अभी के अभी सुखी हो जाओगी. तो गोपियां उद्धव को समझाती, एक हत्यो सो गयो श्याम संग. वो कहती है कि हे उद्धव, मन कोई 10-20 नहीं होते, मन तो एक ही होता है. वो जो एक मन मेरे पास था वो तो श्याम के साथ चला गया, अब और किस मन को लगाऊं, किस मन से मैं ज्ञान प्राप्त करूं, कहां से ले लूं ज्ञान. ठीक उसी तरह एक ही मन होता है, एक ही जगह लगन लग सकती है. उसको आप अपने क्षेत्र में लगाएं, उसको आप अपने गोल में लगाएं, उसको पूरी तरह अपने गोल में जब आप लगा देंगे तो आप अपने आप डेडिकेटेड हो जाएंगे, अपने आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा किस बात की जरूरत होती है हमें? डेडिकेशन भी है, मोटिवेशन भी है, आपको अपने अंदर बिलीफ भी है, विश्वास भी है, विल पावर भी है, आपका ड्रीम भी है, सब कुछ है. पर अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो क्या आप अपने गोल को पा सकते? आप नहीं पा सकते. सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. गोरख का एक पद है, गोरखनाथ का, आसन दृढ़ आहार दृढ़ जे निद्रा दृढ़ होए, गोरख कहे सुनोरे पूता मरे न बूढ़ा होए. जिसका आसन ज्ञान में है, ज्ञान यहाँ एनलाइटनमेंट से लेना देना है, इसका स्पिरिचुअल बात है. जिसका आसन ज्ञान है वो अपनी जगह से हिलता नहीं. ज्ञान जिसका स्थिर है, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भक्ति ही जिसका आहार है. जे निद्रा दृढ़ होए, जो कभी स्वप्न में भी न सोए, जो सोता ही नहीं सदा जागृत रहता है. जो ज्ञान में है वो तो जागा ही रहेगा, वो कभी नहीं सो सकता. जे निद्रा दृढ़ होए, गोरख कहे सुनो रे पूता. हे बच्चों, गोरखनाथ कहते हैं वो न तो मरता है, क्योंकि मरता कौन है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती. वो ना तो मरता है और ना ही वो बूढ़ा होता है, मरे न बूढ़ा होए. अब इस बात को
अगर कोई योग ले, आप समझ रहे हो, बात एक होती है और उसको लेने के ढंग अनेक होते हैं। आपकी बुद्धि उसको किस तरह से लेती है? एक योगी अगर इस बात को ले तो सोचेगा जिसका आसन दृढ़ है, जो कमर सीधी करके बैठता है, जो झुका झुका ना बैठे, जो झुका झुका ना चले, कमर सीधी रहे, आसन दृढ़, आहार दृढ़, जो सात्विक भोजन करे, जंक फूड कहते हैं जिसे हम वो कभी ना खाए, उतना ही भोजन करे जितना जरूरत है, और अच्छा ही भोजन करे, सात्विक भोजन। जे निद्रा दृढ़ होए, समय पे सोए और समय पे जागे, जल्दी सो जाए, जल्दी जाग जाए, सही टाइम पे सोए, एक पैटर्न बना ले। तो योगी कहता है, आसन दृढ़, आहार दृढ़, जे निद्रा दृढ़ होए, गोरख कहे सुनो रे पूता, मरे मरेगा तो न बूढ़ा हो, लेकिन बूढ़ा होकर नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी। एक एक्टर अगर इससे सीखना चाहे तो वो क्या सीखेगा? आसन दृढ़। क्या है आपका आसन? आपका आसन आपका कैरेक्टर है जो आप प्ले करोगे। आसन दृढ़, उसमें आप दृढ़ होकर बैठ जाओ, उससे ना ही ले जब तक प्ले कर रहे हो तब तक, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी जितने देर तक आप उसे प्ले कर रहे हो। आसन दृढ़, आहार दृढ़। आहार क्या हो सकता है आपका? आपके डायलॉग्स, आपके मोनोलॉग्स, आपकी इम्प्रोवाइजेशन, आपका इमेजिनेशन पावर। अगर मैं होता तो मैं कैसा करता, राइट? ये सब आपके आहार, ये सब आपको यहाँ सीखने मिल रहे, बहुत अच्छा सीखने मिल रहा है। तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा जो आपको यहाँ सिखाया जाए, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो ये सब आपका आहार है, जो आप यहाँ सीख रहे हो उसे आप रोज पॉलिश कर रहे हो। आहार दृढ़, जे निद्रा दृढ़ होए। एक एक्टर के लिए क्या है निद्रा दृढ़ होना? मतलब जब वो कैरेक्टर में बैठा है तो अगर उसने शुरू तो बहुत अच्छा किया अपना रोल, अब वो एक्ट आउट कर रहा है और एक्टिंग करते करते देख रहा है, अरे मेरी दोस्त तो मुस्कुरा रही, उसको बड़ा मजा आ रहा है मेरे इस रोल में, सर तो बड़े खुश हो रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अगर लोग ऐसे ही देख रहे हैं लगता है समझ नहीं आ रहा लोगों को। डायरेक्टर बोलता है वाह वाह, बीच में ही बोलते हैं वो लोग कभी कभी, वेरी गुड वेरी गुड। कैरेक्टर से डोज ऑफ होने लगता है, कैरेक्टर उसका छूटने लगता है क्योंकि उसका ध्यान बाहर जा रहा है, कैरेक्टर सोने लगता है, उसका कैरेक्टर सो रहा है क्योंकि वो बाहर, जितने बार मैं प्रकट होने लगेगा कैरेक्टर में उतने बार आपका कैरेक्टर सो जाएगा। तो आसन दृढ़, आहार दृढ़, जे निद्रा दृढ़ होए, गोरख कहे सुनो रे पूता, मरे न बूढ़ा होए, न तो आपका कैरेक्टर फिर मरेगा, मरेगा मतलब फ्लॉप होएगा। अगर आपने बहुत अच्छा किया, अपने आसन में रहे, आपने आहार भी सही लिया और आप सोए भी नहीं, बीच में दूसरों के सुनने से आपको कोई फर्क न पड़ा, आप कैरेक्टर में ही रहे। मैंने ऐसा सुना है कि दिलीप कुमार जी को लोगों को बताना पड़ता था बस कैमरा बंद हो गया, वो क्योंकि कैरेक्टर में ही रहते। तो आपका कैरेक्टर मरेगा नहीं और न बूढ़ा होगा। बूढ़ा होने का अर्थ है जब आप अपने कैरेक्टर को पूरी तन्मयता से प्ले करते हैं तो आप अपना प्ले करते हैं। बूढ़ा होना मतलब घिसा पिटा होना। जब आप अपने से अलग प्ले करते हैं, जब आप दूसरों को देखकर, अगर अमिताभ बच्चन जी ने
एंग्री यंग मैन प्ले किया हाँ करके और आप वही जाके करने लगे तो आपको कितने लोग पसंद करेंगे। सही बात है, मैं मजाक उनका नहीं उड़ा रही हूँ, पर मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो किया वो उनका बेस्ट था और आपका बेस्ट बिल्कुल अलग होगा। आप किसी को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकते, हाँ आप सीख सकते हैं डेफिनेटली, उन लोग किस तरह अपने रोल को ऑब्जर्व करते थे वो आप सीख सकते हैं, लेकिन आप उसको पूरी तरह से अगर उतार देंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका कैरेक्टर बूढ़ा हो जाएगा, बोला घिसा पिटा कैरेक्टर है, ये तो हम 10 बार देख चुके। तो आसन दृढ़ आहार दृढ़ जे निद्रा दृढ़ होए गोरख कहे सुनोरे पूता मरे न बूढ़ा होए, ये एक्टर के लिए जो है उसे आप उठा लो, उसे आप अपने जीवन में उतार लो। ये डिसिप्लिन, ये सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। रोज इसको करो, रोज आप प्रिपरेशन करो, रोज आप मोटिवेटेड हो जाओ। आपको कैरेक्टर के साथ एक हो जाना है जब आप उसे प्ले करते हो, तो आपको अपने आप को और कैरेक्टर को अलग अलग नहीं समझना। बोले कैसे हो जाए, हमें हम कैसे भूल जाएंगे हम कौन हैं, ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात लगती है। मैं भूल जाऊंगी क्या कि मैं कौन हूं? तो कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह आपके जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप उनको उतार के फेंक देते हैं और आप दूसरे कपड़े अच्छे अच्छे पहन लेते हैं, सुंदर दिख लेते हैं, ठीक उसी तरह आपकी आत्मा आपके शरीर को फेंक देती है, छोड़ देती है, उससे जाकर वो नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। आप उतने दिन जब तक आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर है उतने दिन आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। ये सिर्फ आपका एक कैरेक्टर है, आपका जो भी नाम है, आप जो भी करते हो, जिसके भी बेटे हो बेटी हो, ये आपका एक कैरेक्टर है। पर आप कभी भूलते हो क्या कि मेरा क्या नाम है? आप कभी भूल जाते हो क्या कि मैं कोई कैरेक्टर हूं? आपको तो लगता है कि ये मैं ही हूं, मैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा हूं। उल्टा कोई कहेगा आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, पागल है क्या? ये कोई कैरेक्टर है, ये मेरी लाइफ। इतना हम तदात्मा अपने आप से स्थापित कर लेते हैं, पर ये तदात्मा झूठा है। आप जब ऐसा तदात्मा अपने कैरेक्टर के साथ स्थापित करने में कामयाब हो जाओगे तब वो कैरेक्टर आपका बेस्ट कैरेक्टर होगा, तब आप बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग कर सकते हो, तब वो एक्टिंग एक्टिंग नहीं रहेगी, देखने वाले को भी लगेगा कि ये सच में ऐसा सामने मेरे घटना घट रही है। एक बार एक प्ले चल रहा था और ईश्वर चंद विद्यासागर जी गए उस प्ले को देखने के लिए। प्ले चल रहा था और उसमें बीच में कोई सीन आया जहां वो ऐसा कुछ करने लगा जो विद्यासागर जी को नहीं पसंद आया। ईश्वर चंद उन्होंने अपना जूता निकाला और एक सर पे मार दिया फेंक। उस आदमी ने देखा कि मुझे जूता लगा है तो वो जूता उसने उठाया अपने गले से लगा लिया। लोगों ने कहा